दोस्तों हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है। एक रहस्य अभी सुलझता नहीं कि दूसरे हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए तैयार रहती है। और ऐसे में ही एक मिस्ट्री ऐसी भी है जिसके बारे में जानने के लिए लोगों के मन में सालों से उत्सुकता बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड के बारे में, जो कि 163 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में बसा हुआ एक ऐसा रहस्यमय द्वीप है जहाँ पर इसी तरह के 887 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं। हालांकि यह स्टैचू यहाँ किसने बनाए, इनके यहाँ होने की वजह क्या है और इनको बनाने वाले आज आखिर कहाँ पर हैं? इस तरह के सवाल लगातार लोगों के मन में ईस्टर आइलैंड के लिए उठते रहते हैं। और दोस्तों इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईस्टर आइलैंड से संबंधित कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे कि आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों ईस्टर आइलैंड में रहने वाले पहले के निवासियों ने इस आइलैंड का नाम रापा नुई रखा था, जो कि साउथर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद चिली देश के क्षेत्र में आता है। और दोस्तों यह आइलैंड वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है, मतलब कि चिली से इसकी दूरी 3686 किलोमीटर है। तो वहीं इसके पास सबसे नजदीक पिटकेर्न नाम का एक आइलैंड है और उसकी भी दूरी 1921 किलोमीटर है। और यहाँ पर जाने के लिए आपके पास सिर्फ प्लेन का ही साधन बचता है और यहाँ पर पहुँचने के लिए चिली से 5 घंटे का सफर तय करना होता है। साथ ही यहाँ पर पहुँचने के बाद से आपको 887 विशालकाय स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें की मोआए के नाम से जाना जाता है। और यह स्टैचूज लंबी नाक, गहरी आंखें, चौड़ी ठुड्डी और रेक्टेंगुलर कानों की वजह से बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं। साथ ही पहले तो लोगों को यह लगता था कि यह स्टैचूज केवल सर तक ही बने हैं, लेकिन 2012 में खुदाई के बाद से इसका एक अलग ही रूप देखने को मिला, क्योंकि इन स्टैचूज के बड़े बड़े सर होने के अलावा इनकी पूरी शरीर जमीन में मौजूद थी। और दोस्तों वैसे तो इन स्टैचूज का साइज काफी अलग अलग है, लेकिन जो इनमें सबसे बड़ा है उसकी लंबाई 33 फीट के आसपास है। साथ ही वजन में भी वह 80,000 किलो का है। और दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इस आइलैंड पर एक अधूरा स्टैचू भी है जिसकी लंबाई और स्टैचूज के मुकाबले 2 गुनी है, मतलब कि इसकी हाइट 70 फीट के आसपास है और वजन में यह 297 टन यानी कि 2,70,000 किलो का हो सकता है। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी स्टैचूज का ही फेस ओशियन की तरफ है, जिससे कि यह अंदाजा लगाया जाता है कि जिसने भी इसे बनाया था उसका मकसद शायद अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिक को खड़े करने जैसा था। हालांकि यहाँ पर मौजूद सभी स्टैचू एक ही पैटर्न पर बने हुए हैं, लेकिन जो भी उनसे अलग होते थे उन्हें इसी आइलैंड पर ही आहू एक्वी नाम की जगह पर रख दिया जाता था। और इन सब के अलावा ईस्टर आइलैंड पर एक यूनिक स्टैचू भी मौजूद है जिसका फेस स्ट्रक्चर काफी हद तक हम इंसानों की तरह ही है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्टैचू एक प्राचीन गायक का है। और दोस्तों इन स्टैचूज के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन्हें एलियंस के द्वारा बनाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि इन्हें बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वह आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पर मौजूद एक ज्वालामुखी से लाया गया था, और इसी वजह से इसे एलियंस के द्वारा बनाए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि अब सवाल आता है कि इतने बड़े बड़े स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कैसे कराया गया था। तो फिर इसके जवाब के लिए रिसर्चर्स ने इसी जितना भारी एक फेक स्टैचू बनाया और फिर उसे उन्होंने मोटे से रस्से की मदद से आगे मूव कराने की कोशिश की, और फिर इस काम में वह सफल भी हो गए, जिससे कि उन्होंने मान लिया कि स्टैचू को रस्सी की मदद से खींचकर यहाँ पर लाया गया होगा। हालांकि अगर मैं सच कहूँ तो यह बात मुझे हजम नहीं हो रही, लेकिन अब रिसर्च में कुछ ऐसा ही कहा गया है तो इसीलिए मुझे आपको यह बात बतानी पड़ रही है। इसके अलावा लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि आखिरकार इन्हें बनाया किसने है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस आइलैंड पर मौजूद आलू के उत्पादन और सी फूड्स को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह पर काफी भारी संख्या में लोग रहते थे। और एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि इस आइलैंड पर 17,000 लोग बड़ी आसानी से रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और ऐसे में इस तरह के स्टैचूज को बनाने के लिए इतनी संख्या में लोग तो काफी हैं। हालांकि अब यह भी सवाल आता है कि इतने सारे लोग अगर यहाँ पर रहते थे तो फिर अचानक से गायब कहाँ हो गए, क्योंकि जब इस आइलैंड को खोजा गया था तब यहाँ पर मूर्तियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि दोस्तों यहाँ के लोगों के गायब होने के बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन इस थ्योरी पे सबसे ज्यादा विश्वास किया गया है
कि रापानोई आइलैंड पर रहने वाले लोग यूरोपियंस के आने के बाद से कम होने शुरू हो गए, क्योंकि यूरोपियंस यहाँ पर अपने साथ नई नई बीमारियाँ भी लाए जो कि यह लोग झेल नहीं सके, और फिर धीरे धीरे इस आइलैंड पर बसी आबादी विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, यह थे ईस्टर आइलैंड से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग और अद्भुत फैक्ट्स। और दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए लाइव हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।